हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हमारे पास टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, जो बेसिकली वन ऑफ द एल्गोरिथम है हमारे पास ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक या ह्यूरिस्टिक सर्च स्ट्रेटेजी का। अब जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले रिक्वेस्ट करूंगा जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इनके कंसेप्ट को अच्छे समझ सके, ठीक है। लास्ट वीडियो थी मेरी ह्यूरिस्टिक सर्च के ऊपर। अब मैंने देखो लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि ह्यूरिस्टिक सर्च क्या होती है। बेसिकली ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अनुमान लगाना, ठीक है। अनुमान लगा के हम अपनी सर्च टेक्निक, मतलब सर्चिंग करनी है अपने अनुमान लगा के और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस बार मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, हिल क्लाइंबिंग की, ठीक है जी। अब हिल क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ चढ़ना है, कैसे अपनी ह्यूरिस्टिक अनुमान लगा के, ठीक है, इस टेक्निक को यूज करके पहाड़ चढ़ना है, तो वो कैसे करेंगे। चलो एक डायग्राम बड़ा फेमस है इसमें, जिसके हेल्प के बिना तो शायद चढ़ा भी नहीं जाए पहाड़। इंटरेस्टिंग, काफी अच्छा टॉपिक है। अब देखो पहाड़ चढ़ना है, बंदा खड़ा है यहां पे, ठीक है। सपोज कर लो आप ही खड़े हो, ठीक है, और ये मेरा क्या है टारगेट, ये मेरी क्या है टारगेट या गोल नोड। अब एक चीज सोचो कि आपको कह दिया जाए भाई पहाड़ चढ़ना है और आपको बिल्कुल बॉटम पे खड़ा कर दिया जाए, ठीक है। आपको यहां से दिखा दिया कि भाई तुम्हें यहां जाना है, टॉप पे जाना है, ठीक है। कभी आपने पहाड़ तो चढ़ा नहीं, आपने देखा हाँ भाई मुझे टॉप पे जाना है, ठीक है जी। अब क्या काम करेगी आपकी ह्यूरिस्टिक, काम करेगी अनुमान, काम करेगा कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना तो मैं थोड़ा ऐसे 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 करके चढ़ूंगा, ठीक है। माइंड आप कुछ सेटअप करोगे, कुछ फॉर्मूला, कुछ अप्रोच माइंड पे डालोगे, ठीक है जी। उससे क्या काम है ना, वो अपनी ह्यूरिस्टिक अपना फीचर यूज करेगी, अपना एक्सपीरियंस यूज करेगी और कहाँ चढ़ जाएगी, अपनी सर्च को स्टार्ट करना उसे। बट ठीक है, बट एक ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट बड़ा अच्छा है कि स्टार्ट करने से पहले उस बंदे ने आपकी आंख पे बांध दी पट्टी, सपोज कर लो, ठीक है, पट्टी बांध दी है, आंख अभी भी खुली हुई है, बंद कर लो यार, ठीक है। अब पट्टी बांध दी, अब बोला कि आप स्टार्ट करो। आपने पहले जब आंख खुली सारी चीजें देख ली कि भाई मुझे टॉप पे जाना है, हाँ ठीक है, आइडिया लगा लिया कि हो सकता है इतनी दूर हो, या थोड़ा बहुत देख लिया कि हाँ भाई किस तरीके से मूव करना, अपना माइंड सेटअप किया, चलते वक्त बांध दी पट्टी, अब कैसे चला जाए। तो आप एक चीज सोचो, आप अपना मतलब क्या करोगे, एक्सपीरियंस यूज करोगे। एक्सपीरियंस क्या होगा, यहाँ पे देखो सबके साथ होगा, वो आपके साथ भी होगा, वो मेरे साथ भी होगा, मैं चढ़ूंगा कैसे, क्वेश्चन अराइज होता है अपना अनुमान लगा के मैं इस हिल क्लाइंब को चढ़ू कैसे, हिल को कैसे क्लाइंब करूं। सपोज करो ये एक सड़क थी, ठीक है, इस पे मैं आपको कहता हूं चलना है आपको और आगे तक यहां तक जाना है, ठीक है जी। फिर मैंने बांध दिया आपकी आईज पे पट्टी, ठीक है जी, अब आपको चलना है। अब एक चीज सोचो कि सड़क आपको यूं दिखने में तो फ्लैट है, ठीक है, बट यहाँ पे गड्ढे है, ऐसे कुछ कुछ ऐसे हल्की सी चढ़ाई है, कुछ ऐसे गड्ढे है, ठीक है। अब सपोज करो आप चल रहे हो, आपने अपना कदम पहले यहाँ पे था, अब अपना कदम रखा यहाँ पे, ठीक है जी, कदम उठाया और यहाँ पे रखा, सब जैसे कि क्या हुआ, ये आपके कदम है, एक कदम यहाँ पे है और एक कदम आप उठा के यहां रख रहे हो सड़क पे ऐसे। तो आपका दिमाग उस टाइम क्या काम करेगा कि भाई मेरा जो पिछला कदम है उसके हिसाब से जो मेरा अगला कदम है वो नीचे तो नहीं जा रहा, कहीं कहीं गड्ढे में तो नहीं जा रहा, या कहीं और ऊंचे ऊंचाई की तरफ तो नहीं जा रहा। आपका माइंड क्या कहेगा कि नहीं भाई इसका लेवल, इसका लेवल ठीक है। अगर स्ट्रेट सड़क की बात कर रहा हूं तो आप अपना कदम रखोगे रखोगे, ठीक है जी। अब आप बढ़े यहां पे, आप आ गए यहां पे, दोनों कदम रख लें यहां पे, अब आपको आगे बढ़ना है फिर से। अब अपना कदम यहां से उठाया और आपने कहा रखा इस गड्ढे में, ये गड्ढा क्या करेगा, आपका पैर नीचे की तरफ लेके जा रहा होगा जब आप रख रहे होगे। आपका माइंड तभी स्ट्राइक करेगा, क्या कहेगा कि नहीं भाई ये कुछ गड़बड़ है मेरे अगले कदम में, ये तो मुझे नीचे की तरफ लेके जा रहा है, मतलब गड्ढा है भाई, मैं गिर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, बट ये मेरा राइट मूव नहीं है। उसको कैसे पता चला, अपने पिछले मूव के हिसाब से कि पिछला मूव तो मेरा क्या था भाई, सही था, जब मैं आगे ले रहा हूं तो भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं नीचे जा रहा हूं तो वो ये नहीं लेगा, इससे हो सकता है थोड़ा सा आगे वाली जो देखेगा आगे वाला स्टेप लेगा या थोड़ा पीछे वाला लेगा, ठीक है जी। मतलब
यहाँ पे क्या हुआ, अपने पिछले वाले स्टेप्स को कंपेयर कर रहा है आगे वाले से, कि अगर आगे वाला स्टेप मेरा बेटर हुआ तो मैं लूंगा, अदरवाइज मैं दूसरा स्टेप लूंगा। ठीक है, इस तरीके से मूव करेगा। ओके, बात आ गई दोस्तों अब इस पहाड़ पे, इस पहाड़ पे कैसे चढ़ेगा। सपोज करो सेम स्ट्रेटेजी उसको यही यूज करनी है, बट किस वे में। सपोज करो वो चढ़ा यहाँ पे, ठीक है, उसको लगेगा कि ये स्टेप और ये पॉइंट मेरा जो नेक्स्ट मैंने कदम रखा है उठा के अपना, अपने आप को यहाँ पे ऐसे पैर रखा, ये मुझे अगर ऊंचाई की तरफ लेके जा रहा है तो मेरा कदम सही है, अदरवाइज मेरा कदम गलत था। ठीक है ना, जो मैं कदम रखा तो वो दूसरा स्टेप कुछ आगे इधर का लेगा या इधर का लेगा, जहां का भी लेगा, बट उसका माइंड कैसे सेट होएगा आगे के लिए कि भाई अगर मेरा पिछला कदम और ये जहां पे मैं रख रहा हूं वो कदम अगर बेटर है तो क्या करना है, मूव करना है। ठीक है, ऐसे करते 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 भाई वो कहां पहुंच जाएगा, अपने टॉप पे पहुंच जाएगा। ठीक है, ये आगे इसका टॉप पहुंच गया। इस वाले को हम क्या कहते हैं, सिंपल हिल क्लाइंबिंग। हमारे पास बेसिकली दो हिल क्लाइंबिंग होती है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग और ये होती है हमारे पास स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग। ठीक, ये जो मैंने बताई ये कंसेप्ट था हमारा सिंपल हिल क्लाइंबिंग का, जहां पे हमने अपने पिछले वाले स्टेप से कंपेयर किया अपने अगले वाले स्टेप को, अगर वो अगला स्टेप बेटर रिजल्ट देता है तो हमने मूव करना होता है, अदरवाइज हम मूव नहीं करते। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, सिंपल हिल क्लाइंबिंग के अंदर मैं एक बार आपको उससे बता देता हूँ, ट्री स्ट्रक्चर से कि चलना क्या है, इसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है। देखो, सपोज करो ये ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, आगे कुछ और लगा लो आप ऐसे, सिंपल हिल क्लाइंबिंग या हिल क्लाइंबिंग हमारी एक तरीके से डीएफएस की तरह भी काम करती है, बट कैसे वो देखो। इसकी वैल्यू थी 5 ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ठीक है, इसकी थी 4 और इसकी थी 7, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ा तो इसकी वैल्यू थी 3, इसकी थी 5, इसमें मैं आगे बढ़ा तो इसकी वैल्यू थी 2 और आगे जाके मेरे को वैल्यू मिली सपोज करो 1। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं वीडियो में चेक कर लेता हूँ, ये 1 तक हाँ ये 1 है, सपोज करो ये 1 है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब देखो ये सिंपल हिल क्लाइंबिंग में चल कैसे रहा है या हमें क्या प्रॉब्लम अराइज करके देगा। इस बंदे को चलना है यहां से, इसने क्या किया, एक ह्यूरिस्टिक के अंदर याद रखना शॉर्टिंग का कंसेप्ट चलता है, ह्यूरिस्टिक के अंदर बिना शॉर्टिंग के हमारी ये एल्गोरिथम आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि शॉर्टिंग से ही हमें बेटर मूव पता चलता है। ह्यूरिस्टिक क्या करती है, हमें डायरेक्शन देने में हेल्प करती है। ए था 5 थी, उसने अपने सक्सेसर जनरेट किए, ठीक है, पहले उसने क्या देखा, क्या मैं गोल नोड हूं, क्या मैं पहले से ऊंचाई पे तो नहीं खड़ा, पट्टी बांध के उसको बिठा दिया ऊंचाई पे पहले जा भाई, उसने देखा क्या मेरी गोल नोड है, नहीं है, तो उसने क्या किया, सक्सेसर जनरेट किए, बी जनरेट किया और सी जनरेट किया, ठीक है जी। अब बी सी पे उसने क्या देखा, ह्यूरिस्टिक वैल्यू देखी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं कितनी दूर हूं अपने टारगेट से, यहाँ पे ये मान के चलो, तो यहाँ पे जो सबसे कम होगी वो उसको पकड़ेगा। सी और बी जनरेट हुआ, उसको उसने क्या किया भाई, लिस्ट में डाला, नहीं लिस्ट में नहीं डाला, यहाँ पे उसने क्या किया याद रखो, शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद उसने क्या देखा कि ये मेरी जो है सबसे अच्छी अप्रोच है, क्यों, क्योंकि मेरा पिछला कदम क्या है, बेटर है, ये देखो ये जो मैंने कदम लिया 5 ले रहा है और ये मुझे सिर्फ 4 कदम दूर कर रहा है, ये अगर मैं ए से बी पे जाऊंगा तो मुझे और दूर कर रहा है, मतलब नीचे की तरफ लेके जा रहा है भाई, कहीं गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, इसने पकड़ा 4 को, ठीक है जी। अब हिल क्लाइंबिंग या सिंपल हिल क्लाइंबिंग करेगी क्या, इस वाले को तो खत्म ही कर देगी, कि भाई उसने एक माइंड सेट कर लिया कि ये रास्ता मुझे कभी जिंदगी में टॉप पे नहीं लेके जाएगा या बेटर सॉल्यूशन पे लेके जाएगा, अब उसके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। पकड़ा ये रास्ता, सी पे गया, सी के बाद दोबारा से वो अप्रोच करी कि क्या ये मेरी टारगेट नोड है, नहीं है, कोई बात नहीं, तो उसने इसके सक्सेसर जनरेट किए 3 और 5,
इसने देखा कि क्या भाई ये मुझे एक बेटर सॉल्यूशन दे रही है थ्री या फाइव, थ्री मुझे एक बेटर सॉल्यूशन दे रही है, थ्री को पकड़ लिया, यहाँ पे आ गया जी। यहाँ पे आने के बाद भूल गया इसको कि भाई ये वाला रास्ता मुझे जिंदगी में शॉर्टकट में देगा या ऊपर नहीं लेके जाएगा। आगे बढ़ा, यहाँ पे आके उसको पता चला कि ये रास्ता उसको दो दे रहा है और ये रास्ता उसको छह दे रहा है, ठीक है जी। सपोज कर लो कुछ भी था, तो उसने क्या करेगा, फिर से शॉर्ट करेगा और क्या देखेगा कि भाई अब मैं इसके बाद इसको पकड़ूंगा जो मुझे दो पे लेके जा रहा है। तो इसके लिए अब क्या हुआ, ये वेस्ट हो गया, ये इसको भूल जाएगा इस रास्ते को, दूसरा जो रास्ता मिला है वो पकड़ेगा इसको। ऐसे करते करते क्या होगा, वो एक किसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा जहां पे जाके क्या होगा, उसको लगेगा कि भाई मैं अब टॉप पे पहुंच गया हूं, ठीक है जी। तो ये था इस, अब देखो ये डीएफएस की तरह कैसे काम किया, अंदर अंदर घुस रहा है लेवल वाइज, देखो हर पॉइंट पे वो सबको चेक तो कर रहा है, मतलब उनको ट्रैवर्स नहीं कर रहा, उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहा, बी को एक्सप्लोर नहीं किया उसने, उसने सी को पकड़ा, सी के बाद जो शॉर्टकट मिला, जो कम टाइम वाला मिला उसको पकड़ा, देन कम वाला, मतलब वो लेवल वाइज एंटर करता जा रहा है और एक अपने पॉइंट पे पहुंच गया टॉप पे, ठीक है जी। ये अप्रोच थी सिंपल हिल क्लाइंबिंग की, ओके जी। अभी स्टीपेस्ट नहीं करा रहा, सिंपल हिल क्लाइंबिंग की ने मुझे मतलब तीन बहुत बड़ी लिमिटेशन दी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स दी, वो क्या थी देखो मैं शेयर अप कर देता हूँ, साइड बाय साइड भाई प्लीज पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम आएगी, क्योंकि जो हमारे एल्गोरिथम है ह्यूरिस्टिक के 5-6 एल्गोरिथम जितने भी हम करेंगे, वो बेसिकली जब तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा हाँ, अब कहा था मैं, लिमिटेशन ऑफ सिंपल हिल क्लाइंबिंग, देखो मेनली क्वेश्चन पेपर में हिल क्लाइंबिंग पे आता है क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है और एक पार्ट और जुड़ जाता है इसके अंदर जो है लिमिटेशन ऑफ सिंपल हिल क्लाइंबिंग और उसको सॉल्व कैसे किया वो, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छे समझ के चलना। तीन प्रॉब्लम आती है हमारे पास इसके अंदर, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम, ठीक है। लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या, मैं एक बार अपने नोट से देख लूं कि एग्जैक्टली आपको डिफाइन कैसे करूं, क्योंकि बताने को तो मुझे पता है क्या है, डायग्राम बनाना है और यूं चढ़ना है, ठीक है जी। यूं चढ़े, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने क्या कहा, लोकल मैक्सिमम, और ये मेरा पॉइंट क्या है, ग्लोबल मैक्सिमम, ठीक है, ग्लोबल मैक्सिमम। ठीक है, ये चीज है क्या, ये मतलब एक प्रॉब्लम इस एल्गोरिथम का जब हम यूज करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है क्या, इसको समझो। मैं एक बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ सीधा सिंपल, ठीक है। ये सपोज कर लो 10 है, ये 8 है, ये 7 थी, ठीक है। अब ये देखो, ये है 2 और ये है 1, ये वैल्यू को देखो, ये है मेरे पास 6, ये है 5, इस वैल्यू को देखते हैं, ये है 4, ये है 7, ठीक है जी। अब देखो ये ट्री बन गया मेरा, ठीक है। मैं अब अपनी लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम को बता रहा हूँ। एल्गोरिथम चला हिल क्लाइंबिंग का, उसको क्या था कि भाई जो शॉर्ट मिलेगा उसको पकड़ेंगे, यहां से पकड़ा पहले डी को, ये मेरी क्या है, स्टार्ट नोड, चेक करेगा क्या ये मेरी गोल नोड है, नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टॉप पे हूं, नहीं हूं, तो क्या करेगा, इन दोनों को शॉर्ट करेगा जो सक्सेसर है। शॉर्ट कौन सा मिला, 7, पकड़ लिया ये रास्ता, इस रास्ते को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, यहां पे आया मिला शॉर्ट, इसको पकड़ लिया, ठीक है जी, इसको इग्नोर कर दिया। यहां पे आया, एक ही रास्ता तो जाना पड़ेगा, सपोज कर लो यहां पे अगर कुछ होता जो 8 होता, अब ये इसको पकड़ लिया और जा रहा है नीचे, ठीक है। अब मिला इसको 4, ठीक है, इस 4 पे आने के बाद रास्ता ये मिला, इसको इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो ये यहां पे आके क्या सोचेगा इस पॉइंट पे आने के बाद, जब आगे कुछ नहीं है कि भाई मैं टॉप पे पहुंच गया, जब उसको आगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो क्या सोचेगा,
मैं टॉप पे पहुंच गया हूं, मतलब मैं एक लोकल मैक्सिमम पे पहुंच गया हूं, उसके लिए मतलब जो चढ़ाई कर रहा है उसको खुद को लग रहा है कि मैं भाई टॉप पे पहुंच गया हूं, लोकली उसको लग रहा है क्या कि ये मेरी एक मैक्सिमम प्रॉब्लम है। बट जब पट्टी खुली, पट्टी बांध के चल रहा था बंदा, उसने देखा यार अगर मैं ये रास्ता पकड़ता तो मैं कहां जाता, और अच्छे बेटर सॉल्यूशन पे जाता जिसका नाम क्या था, ग्लोबल मैक्सिमम। सपोज करो अगर वो थोड़ा सा चेंज करता अपनी स्ट्रेटजी के अंदर और इसको इग्नोर नहीं करता, देखो यहां से अगर ये रास्ता पकड़ता, यहां पे दो पकड़ता, यहां पर एक पकड़ता, अब वो अपने टारगेट से कितनी दूर है, वन। बट यहां पे देखो, देखो यहां से चला आठ दस ग्यारह, ग्यारह कदम में वो सिर्फ एक दूर रह गया। बट यहां से उसने रास्ता कौन सा पकड़ा था, ये रास्ता इसका बना था, ये वाला, सॉरी, ठीक है। यहां पे कितने कदम ले रहा है, सात पांच बारह, बारह सात उन्नीस, उन्नीस और चार तेईस कदम में जाके वो इस पे आया। बट वही चीज वो आठ नौ दस ग्यारह कदम में आके इधर आया था, तो ये बेटर रास्ता था ना उसके लिए। बट वो अपने एल्गोरिथम में स्टक होने की वजह से क्या हुआ, सिर्फ यहां पे अटक गया, उसको ये चीज तो मिलेगी नहीं। तो ये मेरी क्या थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोकल मैक्सिमम, ठीक है जी। अगली प्रॉब्लम पे चलता हूं जिसका नाम था प्लेटो। प्लेटो समवेयर, हम ऐसे चीज को कहते हैं प्लेटो समवेयर, देखो ऐसे ठीक है, प्लेटो कुछ मेनली इस और इस पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं, क्या फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब देखो ये प्लेटो का कंसेप्ट है, ये प्रॉब्लम है मेरी ग्लोब सिंपल हिल क्लाइंबिंग में, वो क्या चीज है। देखो प्लेटो क्या कहता है, सपोज करो अभी इसको भूल जाओ क्योंकि इसमें वैल्यूज चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम में किस किस तरीके की वैल्यूज आए। प्लेटो में क्या होगा, बंदे ने चढ़ाई तो शुरू करी सिंपल एल्गोरिथम से, पहुंच गया यहां पे, ठीक है जी। यहां पे पहुंचने के बाद देखो मैं चढ़ रहा हूं पहाड़, यहां पे पहुंचने के बाद तीन रास्ते मिले मुझे, ठीक है, मान के चलो तीनों क्या है, ऐसे ले लो आपको बेटर समझ में आएगा। ये तीन रास्ते हैं, एक लेफ्ट निकल गया, एक राइट निकल गया, एक स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। बट क्या होगा यहां पे, यहां पे चढ़ने के बाद तीन रास्ते मिले, मैं कौन सा रास्ता लूं। अप्रोच क्या कहेगी कि पिछले कदम के हिसाब से जो तुम नेक्स्ट कदम ले रहे हो वो बेटर होना चाहिए। तो अब सोचेगा चलो मैं वही अप्रोच यूज करता हूं, वो देखेगा कि भाई ये भी मुझे एक फ्लैट सरफेस पे लेके जा रहा है, ये भी मुझे एक फ्लैट सरफेस पे लेके जा रहा है, ये भी मुझे फ्लैट सरफेस पे लेके जा रहा है, कि भाई यहां से जितने भी रास्ते निकल रहे हैं सारे मुझे फ्लैट सरफेस पे लेके जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं, वो रास्ता ही नहीं पकड़ेगा यहां पे, यहां पे उसका एल्गोरिथम रुक जाएगा। सपोज कर लो समवेयर कुछ एल्गोरिथम यूज किया, मैं यहां पे था ना लोकल मैक्सिमम, यहां पे मैं इस कंडीशन पे आ गया कि आगे जितने भी रास्ते हैं सब मुझे थ्री थ्री और थ्री, सारे मुझे थ्री 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 वैल्यू ले रहे हैं, आपको दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये सारे तीन 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 दे रहे हैं। मेरे लिए कंफ्यूजन हो गई यार कि मैं पकड़ू किसको, कि पिछले वाला और जो उसके आगे के नेबरिंग है सारे मुझे एक ही रास्ते दे रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, तो फायदा क्या, किसको करूं, कंफ्यूजन। तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा, प्लेटो कंडीशन, जो कि मुझे किसी हाई पे लेके नहीं जा रहा। सपोज कर लो इस तीन और इस तीन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, कि जो भी नोड मुझे तीन तीन दे रही थी, ठीक है। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, उसने एल्गोरिथम को इनकेस पकड़ लिया कि चलो मैं एक रास्ता तो पकड़ू, ये ले गया उसको आगे सिक्स पे, ये लेके जा रहा है उसको फाइव पे, ये लेके जा रहा है टू पे, उसने सोचा चलो मैं ये वाला पॉइंट पकड़ता हूँ इस वाले थ्री को, आगे गया सिक्स पे, पता चला पिछला तो उसको समवेयर तीन पे था और अब सिक्स पे, एक तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे था रास्ता, उसने आगे चला तो ये ले गया उसको नीचे की तरफ, भाई ड्रॉप हो गया, ये तो फेल हो गया कंसेप्ट। अब अगर ये इसको लेता तो क्या करता, तो ये भी इसको नीचे लेके जा रहा था, और ये लेता तो क्या होता कि एक पॉइंट के बाद ये उसको टॉप पे लेके जा रहा था, ठीक है। बट भाई लूं किसको, यहाँ पे तो मेरे एफर्ट बढ़ गए ना, तो इस चीज को क्या कहा गया, प्लेटो कंडीशन, जहां पे क्या हुआ, नेबरिंग और जो मुझे मिली है पिछली नोट से सारी की सारी वैल्यूज सेम थी। यहाँ पे हो सकता है, देखो यहाँ पे चार था, हो सकता है यहाँ पे तीन होता, मान लो
तो इस केस में भी सेम कंडीशन थी कि मैं हाई पे तो पहुंच गया हूं, बट जो मुझे रास्ते मिल रहे हैं वो सेम ही मिल रहे हैं, सेम ही लेवल के मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो भी ये मेरी कंडीशन क्या थी, यही थी, ठीक है जी। इसे मैंने क्या कहा, प्लेटो कंडीशन। अब जैसे कहीं जाते हो रास्ते पे, कहीं पे जा रहे हो, तो एक सड़क से तीन रास्ते निकल जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मैं रास्ता कौन सा पकड़ूं, बट आपको ये पता है कि तीनों के तीनों मुझे गोल स्टेट पे लेके जाएंगे, बट रास्ता कौन सा पकड़ूं वहां कंफ्यूजन होती है। तो इस तरीके की कंफ्यूजन को, इस तरीके की लिमिटेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम को हमने प्लेटो कहा। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद आती है मेरे पास रिज प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो रिज प्रॉब्लम क्या होती है, ये भी मेरी एक लोकल मैक्सिमम वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि सपोज करो बंदे ने भाई यहां से पहाड़ चढ़ना शुरू किया, यहां पहुंच गया, ठीक है जी, आंख खुली तो क्या हुआ, रास्ता नीचे लेके जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार हाई पे पहुंचा, उसकी आंख खुली नीचे लेके जा रहा, तो उसने अपने आप को क्या सोचा, मैं टॉप पे पहुंच गया। बट फर्दर वो सोचता है कि यार अगर मैं अपनी चढ़ाई यहां से शुरू करता, मतलब मैं अपना कोई और रास्ता पकड़ता, तब मैं क्या हाई पे पहुंचता। यहां पे आंख खुलने के बाद जब पट्टी खोलता है तो फिर से सोचता है कि यार अगर मैंने जो पिछला रास्ता पकड़ा था वो भी मुझे सपोज करो एक हाइट मान लेते हैं, एक किलोमीटर की हाइट का पहाड़ है, ठीक है। इसने सोचा कि यार पहले वाला भी मुझे एक किलोमीटर की हाइट पे लेके जा रहा था, ये वाला भी एक किलोमीटर की हाइट पे लेके जा रहा है। फिर उसने सोचा कि यार मैं चलो दूसरा रास्ता पकड़ता तो भी वो मुझे एक किलोमीटर की हाइट पे लेके जाता, ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है लोकल मैक्सिमम की, देखो उसको कंफ्यूजन हो गई यहां पे कि भाई जितने भी रास्ते दिख रहे हैं मुझे सारे के सारे सेम हाइट के हैं, सारे के सारे क्या उसके लिए लोकल मैक्सिमम है सारे के सारे। उसको ये नहीं पता चल रहा कि मेरा ग्लोबल मैक्सिमम कब आएगा, भाई मैं रास्ता कौन सा पकड़ूं। मैंने ट्राई ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी मान के देख लिया कि अगर मैं चलता तो क्या होता, यहाँ पे हाइट पे जाता फिर नीचे आ रहा था, यहाँ पे जाता फिर से सेम लेवल पे आता फिर नीचे आ रहा था, भाई मैं रास्ता कौन सा पकड़ूं, सारे के सारे तो मुझे एक ही हाइट पे लेके जा रहे हैं, क्या करूं। सपोज कर लो अगर यहाँ पे सेम वैल्यू होती है, इन केस या वो ये भी रास्ता पकड़ता आखिरी में जाके वो भी एक ही हाइट पे लेके जा रहा है उसको, अगर ये रास्ता पकड़ता तो वो भी सेम हाइट पे लेके जा रहा है, तो भाई कंफ्यूजन होगी कि मैं आगे किसके साथ बढ़ू। मेरी लोकल मैक्सिमम तो मुझे पता चल गई आंख खोलने पे, ग्लोबल क्या है, हाइट का मेरी एग्जैक्टली टॉप कहां पे है, तो ये प्रॉब्लम थी रिज, ठीक है। अब इस चीज को देखो ओवरकम, इस चीज को रिमूव कैसे करें, एक एल्गोरिथम तो ले लिया पकड़ के चल दिया, जिद्दी की तरह चल दिया कि भाई जो छोटा होगा मैं पकड़ूंगा उसको, सिर्फ चाहे वो मुझे नरक लेके जा रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी मेंटालिटी क्या कहती है, हिल क्लाइंबिंग के अंदर जब हम सिंपल एल्गोरिथम करते हैं हिल क्लाइंबिंग का, वो सिर्फ ये कहती है कि भाई जो छोटा है उसको पकड़ो, बाकी को मारो गोली, फिर छोटा है वो पकड़ो बाकी को मारो गोली। इसने ये पकड़ा, जो छोटा मिले उसको पकड़ो बाकी को मारो गोली, बाढ़ में जाए कोई मतलब नहीं, जिसकी वजह से तीन प्रॉब्लम में फंस गया आगे जाके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, हमें एल्गोरिथम, हमारी जो शेप है वो किस टाइप की मिल रही है आखिरी में, पहाड़ टाइप की, तो थोड़ा इस वे में इसको नाम दिया गया हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, ठीक है, इस अप्रोच को। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, जो सेकेंड एल्गोरिथम था या सेकेंड टाइप था हमारे पास हिल क्लाइंबिंग का, जिसका नाम था स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम जो तीन लिमिटेशन थी ये कैसे सॉल्व करी स्टीपेस्ट एसेंट हिल क्लाइंबिंग में, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यहीं से कंटिन्यू होगी, इसी स्क्रीन से कंटिन्यू होगी, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी ना बच जाए इसलिए मैं अलग बना रहा हूं। पहले आप इस कंसेप्ट को थोड़ा दिमाग में डाल लो कि प्रॉब्लम क्या थी, कैसे कैसे आई, ठीक है, तब जाके आप इस वीडियो को देखना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे आपके काम की है तो, ठीक है, ये रिक्वेस्ट जरूर है मेरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, टेक केयर, बाय, इसी स्क्रीन के साथ, थैंक यू।
आप हमारे चैनल ट्यूटोरियल स्पेस को बीटेक बी यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन हिंदी लेक्चर्स एंड नोट्स के लिए सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।